हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों कई बार हमारे चेहरे में काफी ज्यादा ड्राइनेस आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे चेहरे में और हमारे हाथ पैरों में भी काफी ज्यादा क्रैक्स आ जाते हैं। और ये प्रॉब्लम ज्यादातर सर्दियों के मौसम में होती है। सर्दियों का मौसम वैसे तो बहुत ही लुभावना होता है, लेकिन काफी ज्यादा शुष्क यानी कि ड्राई भी होता है। सर्दियों के मौसम में चलती हुई शीत हवा की वजह से हमारी बॉडी काफी हद तक ड्राई हो जाती है और उसे नॉर्मल बनाने के लिए हमें मॉइस्चराइजेशन की जरूरत पड़ती है। वैसे तो मैंने आपको बहुत सी वीडियोस बताई हैं जिनके द्वारा आप अपने आप को हाइड्रेट रख सकते हैं और अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज कर सकते हैं, लेकिन आज मैं बताने वाली हूँ एक ऐसी सिंपल सी चीज के बारे में जो कि घर में इजीली अवेलेबल है और सर्दियों के मौसम में उसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। जी हाँ, मैं आज बात करने वाली हूँ देसी घी के बारे में। जी हाँ, ये वही घी है जिसे सर्दियों के मौसम में लोग ज्यादातर साग के अंदर डालकर, दाल के अंदर डालकर या फिर रोटी के ऊपर लगाकर उसका मजा लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि उसी घी से आप अपनी ड्राई स्किन को ठीक कर सकते हैं, अपने फटे होठों को रिपेयर कर सकते हैं? आइए जानते हैं कुछ और बातें इसी के बारे में विस्तार से। दोस्तों, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो गई है सर्दियों के मौसम में, तो आप घी को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे सर्दियों के मौसम में घी जम जाता है और बिल्कुल सख्त हो जाता है, इसीलिए सर्दियों के मौसम में अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज करने के लिए अपने अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा घी एक कटोरी के अंदर निकाल लीजिए और उसे हल्का सा गुनगुना कर लीजिए या फिर उतना हीट कर लीजिए जिसकी वजह से वो पूरा पिघल जाए। उस पिघले हुए घी को आप अपनी बॉडी पर लगा सकते हैं और अपने होठों पर भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से फटी हुई एड़ियां, फटी हुई स्किन और फटे हुए होठ दोनों ही ठीक हो जाते हैं। चेहरे को मॉइस्चराइजर करने के लिए भी आप घी का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर चेहरा बहुत ज्यादा शुष्क हो गया है, ड्राई हो गया है और बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस हो रहा है, तब भी आप घी को लगाकर अपने चेहरे पर मसाज कर सकते हैं। हो सकता है कि घी लगाने से आपके चेहरे में थोड़ी सी स्मेल आने लगे, लेकिन आप इस प्रक्रिया को रात को सोते समय करिए, क्योंकि रात को सोते समय आपको कहीं भी जाना नहीं होता है और सुबह उठने के बाद किसी माइल्ड फेस वॉश से अपने चेहरे को साफ कर लीजिए। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा शुष्क हो गए हैं, तो घी को हल्का सा गुनगुना करके उन्हें बालों में अच्छे तरीके से मसाज करिए। मसाज करने के बाद अपने बालों को अच्छे तरीके से शैम्पू और कंडीशनर से धो लीजिए, ये भी आपके बालों की ड्राइनेस को दूर कर सकता है। अगर आपके होठ बहुत ज्यादा फट रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा ड्राई हो गए हैं या फिर उन पर काला पन आ गया है, तब भी आप घी का प्रयोग कर सकते हैं। होठों के कालेपन को दूर करने के लिए गुनगुने घी के अंदर आप रतन जोत मिला सकते हैं। रतन जोत आपको बाजार में इजीली मिल जाएगा। ये लाल कलर की स्टिक की तरह होता है, जिसे अगर आप घी के अंदर या फिर किसी भी तेल के अंदर डालेंगे तो वो पूरे तरीके से अपना कलर डिसॉल्व कर देता है, और जैसे ही उसका कलर डिसॉल्व होता है आप उसे लगा सकते हैं। रतन जोत के बहुत सारे फायदे होते हैं। इससे न केवल आपके होठ गुलाबी बनेंगे, बल्कि अगर आपकी बॉडी पर कहीं भी जले हुए का निशान है, तो आप रतन जोत को घी के अंदर या फिर नारियल तेल के अंदर मिक्स करके रोजाना अगर उस निशान पर लगाएंगे तो वो निशान भी काफी हद तक हल्का हो जाएगा। सो दोस्तों, ये है घी के कुछ फायदे ड्राई स्किन को ठीक करने के लिए और होठों को गुलाबी बनाने के लिए। इस वीडियो को जरूर देखिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।